तो स्वागत है आपका ऐसा वर्ल्ड की एक नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। बेसिकली हम पाइथन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो है ये। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप पार्ट टू। तो बेसिकली हुआ क्या था, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि फॉर लूप बेसिकली जो आई की वैल्यूज हैं उन पे काम कैसे करता है और आई की वैल्यू हर एक लूप के बाद चेंज कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि फॉर लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट रखते हैं तो उन स्टेटमेंट के साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पाइथन शेल हमने खोला और ये हमारा पाइथन शेल अभी ओपन हो रहा है, हो गया। अब हमने ये किया, एक फॉर लूप बनाया आई और उसकी आई में रेंज रख दी लेट सपोज 3। और हमने क्या किया, लेट सपोज हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, तो हुआ क्या, हमने अभी तक इसकी आई में रेंज दी है 3। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वेट जूम। तो हुआ क्या हमने आई की रेंज दी हुई है 3। तो हुआ क्या, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हुआ क्या, आई आपको पता है कि जो लूप है वो 3 बार चलेगा, यहाँ पे रेंज 3 दी है हमने तो लूप 3 बार चलेगा। और कौन कौन वैल्यू के चलेगा, 0, 1 और 2 की वैल्यू के लिए चलेगा। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे, प्रिंट एंटर दबाया तो हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड कितने प्रिंट हुआ, 3 बार प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आप फॉर लूप के अंदर जो भी रखोगे यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे रेंज दे रखी होगी आई की, और जितनी बार आई चलेगा उतनी बार ये जो उसके अंदर स्टेटमेंट रखी है हमारी वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने आई की वैल्यू रेंज दी रखी 3, तो 3 बार ये हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसे ही अगर आप कुछ और यहाँ पे लिखते, कोई कंडीशन लिखते, तो वो उतनी बार ही एग्जीक्यूट होती जितनी बार आई हमारा वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए।